प्रश्न 17, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। हम इसे आई के बराबर मान लें। माना आई बराबर है इंटीग्रल माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब निश्चित समाकलन का गुणधर्म देखते हैं, जो कि माइनस ए से ए है एफ एक्स डीएक्स। ये मान क्या होता है? 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डीएक्स, यदि फलन सम है, और ये मान 0 के बराबर होता है यदि फलन विषम है। फलन सम कब होता है? यदि एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स हो तो फलन सम फलन होता है, और यदि फलन एफ एक्स बराबर माइनस एफ माइनस एक्स हो तो फलन विषम फलन होता है। यह हमारा निश्चित समाकलन के गुणधर्म से हम जानते हैं। अब यहां माइनस ए तो है पाई बाई 4 माइनस का, ए है हमारा पाई बाई 4 प्लस का। तो मैं पहले फलन को चेक करूं। एफ एक्स मेरा क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा हो गया। एफ माइनस एक्स निकालें, ये हो गया साइन स्क्वायर माइनस एक्स। साइन स्क्वायर माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ये हो गया माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, जो पुनः साइन स्क्वायर एक्स ही हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अर्थात इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स ही लिख सकता हूं, जो कि हमारा एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स और एफ एक्स दोनों बराबर है, अर्थात हमारा फलन जो है वो सम फलन है, इवन फंक्शन है। तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो आई का मान क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से ए पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ऐसा हो गया। अब हमने लिमिट ले ली है 0 से ए, अर्थात 0 से पाई बाई 4। अब देखो, इस साइन स्क्वायर एक्स को मुझे कॉस में बदलना है। हमारे पास कौन कौन से त्रिकोणमितीय सूत्र हैं, उसका प्रयोग करें। कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र हैं। स्पष्ट है कि यहां पर ये बीच वाला इस सूत्र का प्रयोग होना है, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर एक्स का मान अब कॉस के रूप में ले जाना है, ताकि हम समाकलन कर सकें। इस सूत्र से क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ऐसा हो गया। 2 का यहां भाग लग गया मान। इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं। तो ये मान 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, ऐसा लिखा जा सकता है। 2 से ये 2 कैंसिल भी हो रहा है, तो 2 से 2 मैंने इस कैंसिल भी कर दिया। इसको मान क्या आ गया? I का 1 माइनस cos 2x, 1 का तो हो गया इंटीग्रेशन dx, अर्थात x लिमिट है 0 से पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रल। अब इंटीग्रल कॉस एक्स डीएक्स हम क्या जानते हैं? कॉस एक्स डीएक्स ये होता है साइन एक्स प्लस सी। सी का हमें लेना नहीं है, क्योंकि हम निश्चित समाकलन कर रहे हैं। यहां 2 है तो उसका भाग लगना है। तो मान कितना हो गया? मैं क्या लिखूंगा? साइन 2x अपॉन 2, लिमिट क्या है? 0 से पाई बाई 4। x के स्थान पर पाई बाई 4 रखा तो पाई बाई 4 माना गया। माइनस 0 लिखने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। माइनस यहां x के स्थान पर पाई बाई 4 रखा तो साइन 2 टाइम्स पाई बाई 4 अपॉन 2, ये मुझे प्राप्त हुआ। जब 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो गया, माइनस 0 ऐसा लिखते, ये हो गया। 2 से कट गया साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो ये मान हो गया 1 बटा 2, माइनस 0 अर्थात 1 बटा 2। तो हमें आई का क्या मान मिल गया? पाई बाई 4 माइनस 1 बटा 2,
ये हमारा आई का मान आया। तो दिए गए जो निश्चित समाकलन है उसका मान पाई बाई फोर माइनस एक बटा दो है।